हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोगों को मैं लेके आया हूँ। कितनी ज्यादा क्वेरीज आप लोगों ने पूछी हमेशा से इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, प्लस डीएम आप करते रहते हो कि सर स्कॉलरशिप्स का क्या प्रोसेस है। बिकॉज एज यू नो निफ्ट की फीस है जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाई है। लाइक अगर एवरेज देखा जाए तो 3 लाख रुपीज है जो आपका पड़ जाएगा केवल फीस फीस एंड रहना खाना। देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग योर कॉलेज, राइट? सो That's the only reason आपका जो भी प्रोसेस है स्कॉलरशिप का, कैसे कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। एंड आई होप यू ऑलरेडी वॉच माई ऑल द प्रीवियस वीडियोज जिसमें कि मैंने पूरा डिटेल में स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है। बट ये क्यों मैं फिर से लेके आ रहा हूँ स्कॉलरशिप का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चेंजेज हुए हैं स्कॉलरशिप के उसमें, और ये अभी तक बाहर नहीं आया है, ठीक है? ये अंदर की खबर है क्या क्या चीजें हो गई है क्या नहीं है, जिसके बारे में आज हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो प्लीज गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए है जो बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यहां पे आपको है जो डिजाइनिंग फील्ड से रिलेटेड सारी अपडेट बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। सो चलिए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा जो भी प्रीवियस रूल थे, सार्थक स्कीम के थ्रू निफ्ट आपको है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। स्कॉलरशिप्स की क्रिटेरिया में जो भी आता है आपका 100% तक की स्कॉलरशिप, 75% एंड 50% तक की स्कॉलरशिप। ये डिपेंड करता है प्रॉपर इनकम के ऊपर गाइस, कि आपके पेरेंटल इनकम कितनी है पर ईयर, उस बेस्ड पे है जो पहले है जो प्रॉपर आप लोगों के फॉर्म फिलिंग होते थे, फिर एक डेट निकलती थी जिसमें की है जो उस डेट में आपको है जो इंटरव्यूज देना था, जिसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैकल्टीज बैठती थी एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, इवन दे आर गोइंग टू जज यू व्हाट एवर यू आर सबमिटिंग दैट इज अ राइट और रॉन्ग। एंड कई बार तो इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत से बच्चे पैनिक भी हो जाते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते थे जिसकी वजह से बच्चे काफी रोते भी थे एंड बहुत सारे गलत आंसर्स भी निकल जाते थे ऑब्वियसली, बिकॉज जो पेपर वर्क है एंड जो इनका क्रिटेरिया है कि 1 लाख या 1.5 लाख से नीचे आपकी पेरेंटल इनकम है, प्लस 2-2.5 लाख से नीचे, प्लस 4 लाख से नीचे। टू बी ऑनेस्ट, आजकल के जो रोड के भिखारी लोग होते हैं ना, उनकी भी ऐसे 2-3 लाख रुपए साल की होती है, राइट? एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली पेरेंटल इनकम आपकी 1-1.5 लाख से नीचे नहीं हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल वो आपके, अगर पेरेंट्स या फादर कुछ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, वो छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी कंसिडरेशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख से नीचे ही की जाती है। वो गवर्नमेंट ने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं कि भाई अगर पेरेंट्स इस तरीके की जॉब कर रहे हैं तो 1.5 लाख से नीचे के अंदर डाल दिया जाएगा। डजंट मैटर वो 2-2.5 भी कमा रहे होंगे, 3 भी कमा रहे होंगे, वो मैटर नहीं करता है, राइट? सो दैट्स द ओनली रीजन। अभी की लेटेस्ट अपडेट है जो कि एग्जैक्ट में मुझे डेटा नहीं मिल पाया है, आई थिंक उन्होंने जो फाइनल जो 4 लाख था, 4 लाख था कि 4 लाख होना ही चाहिए सालाना इनकम, उसके नीचे आपको 50% तक की स्कॉलरशिप आपकी मिल जाती थी आपकी जो फीस पे कर रहे हो। बट अंदर ही अंदर सारे रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें कि ये सुनने में आया है कि आई थिंक उन्होंने 4 से हटा के 6 से 6.5 लाख कर दिया 50% के लिए, प्लस आपको अगर 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो आई थिंक 2 से 2.5 लाख रुपए कर दिया है, प्लस अगर आपको 50% तक की स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल होगा उसका उन्होंने 4 से 4.5 लाख रुपए कर दिया है। मतलब ये थोड़ा सा उन्होंने 1 या 1.5 लाख रुपए शिफ्ट किया हुआ है उसको है जो वैरी करने में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग 100% तक के लिए अब अप्लीकेबल होंगे। बिकॉज जैसे महंगाई बढ़ रही वैसे इनकम भी बढ़ रही है, प्लस सर्टिफिकेट्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी एंड ये सारी चीजें हैं। सो गाइज, ये बस इंफॉर्मेशन मुझे अंदर की पता चली है कि जहां पे रूल्स निकाले गए हैं, अभी प्रॉपर साइट्स में अपडेट नहीं हुआ है। मैं पहले से ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये चेंजेस आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है? बट मुझे प्रॉपर गाइडलाइंस ये सारा ऑलरेडी निफ्ट दिल्ली से मिल चुका है कि ये चीजें चेंजेस किए गए हैं। प्लस अगर हम बात किए जाए, ये आपका क्लियर है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं, आपको बस अपने पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कितने लाख के नीचे आप वेरी करते हो कितना नहीं, यू विल बी एप्लीकेबल फॉर दीज स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। सो गाइस, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी रीजन हो सकता है,
क्योंकि बहुत डिले भी हो जाता था एंड बच्चों के साथ काफी बदसलूकी भी होती थी क्योंकि बहुत से गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछ दिया करते थे. बिकॉज आई ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन. दे आर गोइंग टू आस्क यू क्यों नहीं ज्वाइन किया, अगर आपके पापा नहीं है तो आप कुछ और कर लेते. मतलब ऐसे भी इंटरनल एक्सटर्नल फैकल्टी क्वेश्चन पूछ देते थे जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होता था. एंड ऐसा हुआ है लिटरली मेरे टाइम पे, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू. सो मे बी एंड बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो, क्योंकि इंटरव्यू में ऑब्वियसली फैकल्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर जाके बहुत लंबी प्रोसेस होता, तब जाके चीजें होती हैं. सो उसको स्पीड देने के लिए इन्होंने इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कैंसिल कर दिया है. अभी आपका है जो जो भी फॉर्म जाएगा स्कॉलरशिप्स का, वो ऑनलाइन जाने वाला है. ऑनलाइन से रिलेटेड क्या फॉर्म्स हैं, कैसे हैं, फुल इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लस डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय 2025 बैच, मेरे ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं. प्लस आगे के भी प्रोसेस अगर आपको जानना हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा कि कैसे आप क्या कर सकते हो. वहां पे और भी इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे. सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा. अभी ये सर्कुलेट नहीं हुआ है, साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, बट मुझे जैसे ही पता चला है, ऑब्वियसली सबसे फास्टेस्ट अपडेट आपको मैं पहुंचाता हूं, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो मेनी माई स्टूडेंट्स, इवन द फैकल्टी कनेक्शन ऑल्सो इन द निफ्ट दिल्ली. सो मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि चीजें क्या क्या है क्या नहीं है. सो दैट इज द ओनली रीजन गाइज कि आपका अभी बस ऑनलाइन होगा. सो झंझट ही खत्म कि क्या क्या है, कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अभी बहुत क्लियर हो गया. आपको बस जब भी डेट आएगा तब जाके आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा. स्कॉलरशिप्स के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो आपको सबमिट करने होंगे. क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, वो आपका लगेगा. आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, आपका 10th 12th का मार्कशीट, उसके साथ साथ से आपके घर बाइक है, जमीन है, जो भी चीजें हैं ना, वो सबके पेपर्स आपके लगेंगे. और यू विल बी अप्लीकेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप्स. और ऑनलाइन सबमिशन के बाद से सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही आ जाएगा. सो बहुत स्मूथ हो गया, क्योंकि मेरे टाइम पे भी क्या, अभी एक साल पहले, अभी जस्ट जो नया बैच, पिछला बैच जो था, उनके में भी इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था. सो दैट्स द ओनली रीजन. दीज आर द लेटेस्ट अपडेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज. मतलब आई वॉज वेरी worried about, because my students also facing the same problem during the interviews, because they are asking us so many questions. और obviously बात है कि panic हो जाते हैं बच्चे की, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और they are asking a different type of questions जिनका वो उन्होंने face ही नहीं किया कि उनके answers कैसे देने हैं. और ना चाहते हुए भी कई लोगों की है जो स्कॉलरशिप्स कैंसिल हुई है, दैट्स द ओनली रीजन. सो इस वजह से ये अच्छा है कि ऑनलाइन गया है. जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उस बेस्ड पे वो आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर देंगे. अगर आप अप्लीकेबल हो गए 25%, 50% एंड 75% जिसके लिए भी. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी. प्लस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो कि दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दीज स्कॉलरशिप्स. अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजिली वो फिल कर सकते हैं, और अपने भी हैं जो सपने पूरे कर सकते हैं निफ्ट जर्नी को, निफ्ट के सपने को जीने का उनको भी अधिकार है. बिकॉज महंगाई ज्यादा हो गई है, मिडिल क्लास फैमिली कैनॉट एफोर्ड दिस मच ऑफ अमाउंट, 3 लाख रुपीज, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो. बहुत से बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर ये कब करना होता है. सो गाइज, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी होती जब आप एग्जाम देते हो, तो आपको पे करनी है जो उनकी फीस होती है. उसके बाद से कॉलेज आने के बाद से आपको सारी डेट्स एंड कहां पे लिंक मिलेगी, कैसे क्या, वो इन्फॉर्मेशन आपकी फैकल्टी ही देगी. सो आप है जो घर पे प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल तैयार कर दीजिएगा, और जब भी आता भी है तब भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करा के घर वालों से मंगवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन करते हैं. सो प्लीज गाइज, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा. मेरा नया बैच 2025 निफ्ट NIT नाटा यूसीट का स्टार्ट हो गया. ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करो मेरी क्लासेस. नीचे के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन कर लो. वहां पे सारा फ्री क्लासेस, सारा कुछ पेड क्लासेस, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम दे देगी. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है, जो हेल्पफुल रही हो. ऐसे ही प्यार खाते रहो, चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन दबाते रहो लेटेस्ट न्यूज के लिए. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई, नीचे का प्रॉपर कमेंट में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन है आप लिख सकते हो कि नेक्स्ट वीडियोस आपको किस में चाहिए, और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूंगा. सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय.